ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि आप दोनों के बीच एक ग्लोबल कंपटीशन है, पहले बॉलीवुड में था, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी है। हम दोस्त थे, अब कंपटीशन बन गया। वी वर बीएफएफ्स। किसी और के सक्सेस और फेलियर से मेरे करियर का कुछ लेना देना कभी नहीं था। व्हाई देयर इज कंपैरिजन। Congratulations for cracking into top 100 list again. Thank you. Globally, आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, आपके काम को appreciate किया जा रहा है, साथ ही साथ दीपिका पादुकोण, she's also doing well in Hollywood. ऐसे reports हैं कि आप दोनों के बीच एक global competition है, पहले Bollywood में था, अब global platform पे भी है। अरे I thought आप लोग कहते थे कि हम दोस्त थे, अब competition बन गए है ना, पहले तो यही लिखते थे ना सब लोग कि we were BFFs. Yeah. तो ये कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला, वो आप बताएंगी हमें। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि बदला है, आप कह रहे हैं कि बदला है, तो उसी तो पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना कि कुछ नहीं बदला, जैसे थे हम वैसे ही हैं, आपका नजरिया बदला है जो आपको नहीं बदलना चाहिए। देखा किसे एन वक्त पे उड़न छू। ओके, आई एम वेरी आई है का है वॉइस ऑफ गॉड, आई अंडरस्टैंड बिग बॉस। हाँ बोलो बोलो, डोला रे डोला। Why there is comparison? It's the same director. You have two heroines dancing together, which is probably not a very, very common thing. But in every other way, there's no reason for comparison. The situation in this film over here is completely different. Here it's a song of celebration, and I think she explained this the entire situation to you. I mean, what more? But yes, I think we were very, very excited. We were very happy that we got this opportunity to shoot this song together. जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं हॉलीवुड में, वैसी दीपिका की टीम इज आल्सो ट्राइंग टू गेट यू द गेट दीपिका द सेम प्रोजेक्ट। वो सवाल आपको उससे पूछना चाहिए ना। हाउ डू यू लुक मेरी टीम तो ट्राई नहीं कर रही है, नहीं ना, तो मेरे से सवाल किसी और के बारे में तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो मुझे पता नहीं है। माय करियर हैज बीन वेरी सॉलिटरी। किसी और के सक्सेस और फेलियर से मेरे करियर का कुछ लेना देना कभी नहीं था, एंड वो वैसा भी अभी भी जारी होगा। जैसे मैंने पहले कहा, आई होप कि जिस तरह का काम मैंने किया है एंड जिस तरह का झंडा मैं गाड़ने की कोशिश कर रही हूँ इंडियन एक्टर्स और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, आई होप कि बहुत सारा इंडियन टैलेंट, ना सिर्फ इंडियन, साउथ एशियन टैलेंट या ग्लोबल टैलेंट जिनको एंट्री नहीं मिलती है ग्लोबल एंटरटेनमेंट में, उनको वो दर्जा मिले। आई होप सो।